कि ये रोड पहले बहुत तंग था, वो जैसे पहाड़ी जैसी ढह जाता था, लेकिन हम बड़े शुक्रगुजार हैं पीएम जी भाई और डीएसए साहब के और खासकर इस डिपार्टमेंट के, जिन्होंने ये काम और रोड जो है वो वाइडिंग हो गया। और इस वाइडिंग रोड से हमें ये फ़ायदा बहुत मिला है कि जो ये शॉर्टकट ज़्यादा हमारा पास ही पड़ता है वाकोरा, जिसमें तहसील है ब्लॉक लेवल, तो यहाँ से ये शॉर्टकट जाएगा और संभल बाकी जो एरिया वो कट हो जाएगा। श्रीनगर में हमें आधा घंटा लग जाएगा अगर श्रीनगर हमें जाना है। बहुत डेवलपमेंट हो रही है, हमारे गाँव को कोई पूछता ही नहीं था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि यह रोड बन गया। तकरीबन 25 साल के बाद इस पर फिर मिकडम डाला गया और ये इसकी ये वाइडनिंग की गई और जगह जगह पर इसकी कंक्रीट के ये जो लाइनिंग वाल हैं वो बनाए गए। इससे तकरीबन 40-50 गांवों को फ़ायदा मिलेगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये जो ये मेवा सनत है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे। इससे पहले दो गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी और ऊपर खापड़ था, कीचड़ थे, बड़े गड्ढे थे, तो ये जो मैकडमाइजर हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ, वाइडिंग भी हुई तो इससे हमें बहुत आसानी हुई। PMGSY के तहत जो ये सड़क हो गई बारसू से वापुरा वाया नवाबाग तक, ये बहुत सेटिस्फाइड काम किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे भी तो थोड़ा इसमें था हमारे गांव की कनेक्शन के लिए, वो भी इन्होंने आसानी किया और अच्छी तरह से किया। PMGSY के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तस्तरली बख्श काम किया। पूरा खस्ता हाल रोड था जो हमने पूरा ना वाइड बहुत जगहों पे मैक्सिमम प्लेसेस पे हमने वाइड भी किया। और रही क्वालिटी कंट्रोल की बात, क्वालिटी कंट्रोल में इसमें तो 3 टायर क्वालिटी कंट्रोल जाता है जो अंडर PMGSY है। एक तो हमारा जो ऑफिस लेवल पे, जो हमारा डिविजनल लेवल पे, दूसरा हमारा जो है स्टेट लेवल पे जाता है और तीसरा जो है हमारा नेशनल लेवल पे जाता है। और इसमें जो हमारा स्टेट लेवल पे ऑलरेडी 3 जो इसमें क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर रहे।